सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। नमस्कार मित्रों, जय हिंद। कैसे हैं आप? आज मन बड़ा ही उमंग और उत्साह से भरा हुआ है, और भरे भी क्यों ना। आज भारत ने फिर से एक बार सिद्ध किया कि वो क्यों विश्वगुरु था, है और हमेशा रहेगा। क्यों बताया कि हर एक परेशानी से हम खुद जूझे हैं, उसके लिए अपने लिए रास्ता खुद बनाया है और पहले उस पर चले हैं, फिर दुनिया हमारे पीछे हमारा अनुकरण करती हुई आई है। जब कोरोना महामारी में पूरा विश्व दोबारा लॉकडाउन की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है, तब भारत ने दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत आज 16 जनवरी 2021 को की है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3006 सेंटर्स पे आज भारत के पहले चरण की वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी। 3 करोड़ लोगों को इस चरण में वैक्सीनेशन किया जाएगा। जी हाँ, 3 करोड़। दुनिया के 100 से भी अधिक देशों की जनसंख्या, कुल जनसंख्या, जी हाँ कुल जनसंख्या 3 करोड़ नहीं है, और हमने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा है। आज हम पूरे दिन इस बात पर चर्चा, आपने भी सुनी होगी कि वैक्सीनेशन किस तरह शुरू हो रहा है, कितने लोग कौन उस पर पहले बार वैक्सीनेट करवा रहे हैं और किस क्या उसकी प्रक्रिया है। लेकिन वैक्सीनेशन होता क्या है? हम सभी ने सुई जरूर लगवाई है, चाहे वो मिजल्स का हो, पोलियो का हो, या अब कोरोना का भी लगवाने वाले हैं। बच्चे जब पैदा होते हैं तो सबसे पहले माँ के दूध के साथ साथ डॉक्टर उन्हें वैक्सीनेशन भी उतना ही महत्वपूर्ण बताते हैं। क्यों है ऐसा? क्या है वैक्सीनेशन ऐसा जो हमारे शरीर में हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम वैक्सीनेशन की चर्चा करें, पहले हम बात करेंगे इम्यूनिटी की। जी हाँ, 2020 में गूगल में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले चीजों में यह भी था कि हम अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाएं। अब बात करते हैं इम्यूनिटी होती क्या है, व्हाट इज इम्यूनिटी। तो आप पहले ये बात समझिए कि जब मैं यहां पे खड़ा हूं या बोल रहा हूं या आप जहां भी हैं, आपके चारों तरफ थाउजेंड्स यानी हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में फॉरेन पार्टिकल्स, जिसको अगर हम साइंटिफिक टर्म दें तो एंटीजेंस, जिसमें हम या फिर डिजीज कॉजिंग एंटीजेंस की चर्चा अगर करें, या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कहें, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या प्रोटोजोअन, जो हमारे चारों तरफ मौजूद है, हमारा उनसे सामना हर दिन होता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि कभी एक दो बार ही हम बीमार होते हैं? ऐसा क्यों है कि हम कई बार बीमार होते हैं तो बिना दवा खाए हुए भी ठीक हो जाते हैं? ये सब किया धड़ा हमारे इम्यूनिटी का है। जी हाँ, हमारा शरीर जो है वो अपने आप में सारे विज्ञान से परे है। जी हाँ, मैं बात साइंटिफिकली कह रहा हूं, क्योंकि हमारे शरीर में खुद से बीमारियों से लड़ने की एक क्षमता है, जिसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। अगर उसको इंग्लिश में कहें तो इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दो तरह के होते हैं, एक इननेट इम्यूनिटी और दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी जो इम्यूनिटी यानी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हम बचपन से लेकर के पैदा होते हैं, यानी कि हम जब पैदा होते हैं तब से हमारे साथ होता है। और दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जब हम पैदा हो जाते हैं उसके बाद हम उसको एक्वायर करते हैं। तो चलिए पहले उसके बारे में जानते हैं। इनेट इम्यूनिटी, इसके 4 से 5 प्रकार हम इसके बारे में जानेंगे। पहला कि इनेट इम्यूनिटी क्या होता है। मैंने पहले भी कहा कि जो चीज, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हम बचपन से पैदा होने के साथ ही लेकर के आते हैं, उसको इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। उसमें सबसे पहला है फिजिकल। जैसे हमारा ये स्किन, हमारा जो बाहरी आवरण है, ये अपने आप में एक रोग प्रतिरोधक क्षमता है। कैसे? क्योंकि ये
बाहर जो हमारे अंदर का भाग है उसको प्रोटेक्ट बाहर से करता है, तो ये अपने आप में ये एक प्रकार का इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो पहला इसका एग्जांपल हो गया स्किन। अगर आपने देखा होगा कि जब हमें चोट लग जाती है तो जब घाव बन जाता है वहां पे, तो घाव में हम दवा लगा करके रखते हैं इसलिए ताकि वो घाव भरे। क्यों? अगर वो घाव नहीं भरेगा तो वो एक लूप होल मिल जाएगा बाहरी ऑर्गेनिज्म को हमारे शरीर के अंदर जाकर के दूसरे डिजीज कॉज करने के लिए। तो पहला एक फिजिकल जिसमें स्किन आता है, दूसरा फिजियोलॉजिकल। जब मैं कह रहा हूं तो हमारे शरीर में जैसे हम खाना खाते हैं, मान लीजिए कभी आपने निवाला लिया तोड़ने से, तो ऐसा तो नहीं है कि वो एकदम प्रोटेक्टेड आप उसको वैक्यूम के अंदर खा रहे हो, नहीं, वो भी एयर में खा रहे हो, उसके भी कुछ बैक्टीरियाज वगैरह जो एयर में है उसके साथ आप इनगल्फ कर रहे हो, तो वो तो आपको अंदर, वो तो अंदर जा रहा है, वो कैसे आपको बचाएगा? वो इसलिए आपको बचाएगा कि वो जब हम खाते हैं हमारे शरीर में, हमारे मुंह में लाड़ है, लाड़ यानी कि सलाइवा, तो सलाइवा भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देता है जो हमारे अंदर नहीं जाने देता। बचा कुचा हमारे स्टोमक में एसिड्स हैं, वो एसिड्स इसको खत्म कर देते हैं। इसी तरीके से जो म्यूकस है हमारे नाक में, जैसे हम जब सांस लेते हैं तो सांस में जो एक जो अंदर इनर लाइनिंग होती है उसमें म्यूकस होता है, यानी उस म्यूकस में वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो चिपक जाते हैं, और वही कभी कभी आप देखते होंगे नाक में गंदगी जो होती है वही म्यूकस में सटे हुए वो बाहरी पार्टिकल्स जो अंदर नहीं जाने चाहिए थे वो उसको बचाता है। हमने दो तरीके के इनेट इम्यूनिटी को देखा, एक देखा फिजिकल, दूसरा देखा फिजियोलॉजिकल, तीसरा जो है वो है सेल्यूलर। जी हाँ, सेल्यूलर। जैसे कुछ पार्टिकल्स हमारे शरीर के अंदर चले गए तो हमारे पास WBC है, व्हाइट ब्लड सेल, उन सभी पार्टिकल्स को घेर करके मार देता है, ठीक है। तो ये तीसरा जो हुआ उसको सेल्यूलर इम्यूनिटी भी कहते हैं या सेल्यूलर लाइन ऑफ डिफेंस भी कहे, जिसमें हमारा हुआ WBC। अगर हम इसको लिख दें व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। और चौथा है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर, साइटोकाइन किस तरीके से काम करता है कि कोई अगर हमारा सेल अगर वायरस से इंफेक्टेड हो जाता है, तो अगर वायरस इंफेक्टेड जो सेल्स होता है वो एक तरह का केमिकल सिक्रीट करता है, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरॉन, ठीक है। अब ये जो इंटरफेरॉन है ये दूसरे जो सेल्स होते हैं उनको अलर्ट कर देता है और दूसरे सेल्स को इन्फेक्टेड वायरस से नहीं होने देता। ये चौथा साइटोकाइन है। मेनली हमें चार तरह के ही पढ़ने थे। अब हम शुरू करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी कि जिसमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ही हम वैक्सीनेशन को पढ़ेंगे। ये बताना इसलिए जरूरी था ताकि आप बेसिक से जान सके कि किस तरीके से हमारा शरीर खुद को रोगों से बचाता है। तो अब बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। नंबर टू इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हमने इनेट इम्यूनिटी में देखा कि जब हम पैदा होते हैं तो कुछ रोग प्रतिरोधक क्षमता को साथ लेकर के आते हैं, जिसपे हमने फिजिकल देखा, फिजियोलॉजिकल देखा, सेलुलर देखा और साइटोकाइन देखा। दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड अपने नाम से ही आपको परिभाषित कर रहा है कि ये हम पैदा होने के बाद एक्वायर करते हैं। इसके जो प्रिंसिपल्स हैं इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही प्रिंसिपल्स हमारे वैक्सीनेशन में या किसी भी वैक्सीन में, चाहे वो पोलियो का हो, BCG का हो, अभी कोरोना का है, या फिर जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कुछ एक स्टेज होता है कि इतने दिनों में ये वैक्सीन लेना है, इतने दिनों में ये वैक्सीन लेना है, वो सब इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो इस प्रिंसिपल को पहले हम समझते हैं और इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें हम बात करते हैं मेमोरी की। मेमोरी यानी कि याद। इसमें दो टर्म पहले समझना है, एक एंटीजन एंड एक एंटीबॉडी। एंटीजन जो टर्म है यहां पे यूज किया गया है बैक्टीरिया, वायरसेस जैसे जो पैथोजेंस होते हैं, जो भी पैथोजेंस हैं उनके लिए एंटीजन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। एंटीबॉडी
जो हमारे बॉडी में, आपने खुद कभी, हम लोग सब एंटीबायोटिक्स खाने के आदि हैं, ठीक है, वो एंटीबायोटिक्स जो है इसी एंटीबॉडी जो हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स बनाते हैं इसके रिस्पॉन्स में, यानी कि जब हमारा हमारे बॉडी में एंटीजन अटैक करता है तो उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी एंटीबॉडी का निर्माण करती है, और इसी एंटीबॉडी अगर कमजोर पड़ने लगता है तो हम एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो पहली बार क्या होता है कि जब ये एंटीजन, कोई भी बाहरी पैथोजन हमारे शरीर के अंदर गया, तो हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स ने एंटीबॉडी का निर्माण किया। पहली बार जब कोई, जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ पहली बार कोई चोर घुस आया, तो आप तो अचानक से तैयार नहीं है उसके लिए, तो आपने क्या किया कि चप्पले फेंक के मारे, बहुत खुश हुए तो हल्ला किए, लेकिन वो तो इफेक्टिव नहीं है, वो तो आपको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा करके चला गया। उसी तरीके से पहली बार जब एंटीजन अटैक करता है हमारी बॉडी पे, तो हमारा बॉडी उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज का निर्माण किया, ये उतना इफेक्टिव नहीं होता है, और जब तक ये इफेक्टिवली काम करना शुरू करता है तब तक हम बीमार हो चुके होते हैं, हमें फीवर हो जाता है या फिर कॉमन कोल्ड हो जाता है, कफ, स्नीजिंग या फिर खांसी सर्दी जो हम आम बोलचाल की भाषा में कहें तो, या फिर कोई और भी बीमारी हो, तो एंटीबॉडी ये पहली बार हुआ, तो जो पहली बार अटैक हुआ, लेकिन हमारा बॉडी हमेशा याद रहता है कि बेटा तुम इस बार तो आए थे, हमको तो बीमार करके चले गए, लेकिन हम अगली बार आओगे तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, तुमने हमें छेड़ दिया है, अब तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो पहली बार अटैक करता है, तो इसके बॉडी में या हमारा जो मेमोरी है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी, हमारा इम्यून सेल इसको याद रखता है, और इसको कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। और ये जो पहली बार इस पे अटैक करता है, इसको कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब हमारे बॉडी पे सेम पैथोजन अटैक करेंगे, तो हमारे बॉडी के जो मेमोरी सेल्स हैं, हमारे इम्यून सेल के, वो हमेशा याद रहते हैं, अच्छा पिछली बार आया था तो हम इसको इस तरीके से मारे थे, या ये एंटीबॉडी हमें बनानी पड़ी थी तब ये जाकर के खत्म हुआ था, तो इस बार अगर ये अटैक किया तो वो याद रहता है, तुरंत उन्होंने वही एंटीबॉडी बनाया, इसको खत्म किया और हम बच गए। यही हमारे साथ इम्यून सिस्टम हमेशा हमको प्रोटेक्ट करने के लिए करता है। अब जब वैक्सीन की बात करते हैं, तो वैक्सीन भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। वो किस तरीके से काम करेगा वो देखिए, हम इसमें एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जो सबसे कॉमन है, जो हमने बचपन से हर बच्चे को याद होगा, दो बूंद जिंदगी के, पोलियो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया है। अब बात करते हैं वैक्सीन की, कि वैक्सीन कोई भी हो, चाहे वो पोलियो का हो या फिर बीसीजी का हो या फिर अभी हम कभी कभी हम जब कोई चोट लग जाती है या फिर कोई लोहे की चीज से हम घायल हो जाते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल पैर वर कट गया या उंगली कट गई, तो हम कहते हैं, कोई भी कहता है जाकर के टेटनस का इंजेक्शन ले लो, वो एक्चुअली वैक्सीन ही हुआ टेटनस। तो ये सभी तरीके के, या अभी कोरोना का, ये सारे के सारे वैक्सीन जो है इसी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो दोबारा मारने के लिए एंटीबॉडी बनाता है, उसके बेस पे ही इसमें काम होता है। किस तरीके से, पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं पोलियो का, बहुत कॉमन है, हम सब बचपन में दो दो बूंद जिंदगी के, 0 से 5 साल के उम्र तक के बच्चों को दो बूंद, हमेशा दो ड्रॉप्स देने का अभियान हमेशा भारत सरकार ने शुरू किया और जिसके हमें सफलता भी मिली। खैर, अब हम बात करते हैं पोलियो किस तरह, पोलियो एक एग्जांपल हमने लिया, किस तरीके से काम करता है। आपको मालूम है कि वो दो जो ड्रॉप बच्चे को दिए जाते हैं उसमें क्या होता है, उसमें ध्यान से सुनिएगा, पोलियो एक वायरल डिजीज है, यानी कि वायरस के कारण होता है। इसी वायरस को उस बूंद में, वही वायरस हमारे बच्चों को दिया जाता है। जी हाँ, फिर से रिपीट कर रहा हूं, वही वायरल का स्ट्रेन, वही वायरस हमें दिया जाता है, लेकिन लेकिन ये या तो वीकेंड स्टेट में, यानी कि वीकेंड या फिर डेड, वीकेंड यानी कि इसमें जो डिजीज कॉज करने की, यानी हमें बीमार करने की जो क्षमता होती है उसको खत्म करके दिया जाता है, या उसको मार करके कंप्लीट दिया जाता है। क्यों? ताकि इसको हमारा बॉडी, जब हमारे बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं, इम्यून सेल्स इसको प्राइमरी रिस्पॉन्स में धीरे धीरे उसके खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण करेगा, एंटीबॉडी का, मैं इसको शॉर्ट में ए भी लिख रहा हूं, एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। वो अभ्यस्त रहेगा किसके खिलाफ,
इस वीकेंड के खिलाफ, यानी कि जब हम जो हमारे लिए डिजीज कॉजिंग नहीं है, लेकिन जब हम ओरिजिनल स्ट्रेन ऑफ पोलियो या किसी भी बीमारी का जब हम पे अटैक करेगा, तो हमारे मेमोरी सेल्स में ये बात रहेगी, अच्छा पिछली बार आया था तो हमको इस तरीके से उसे मारना पड़ा था, अब इस बार वही आया है तो हम पटाख से उसको मारेंगे, और सेकेंडरी रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स जो होगा हमारा एकदम फर्राटेदार होगा, और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में इसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बनेंगे फटाक से बनाएंगे और ये उसको मार देगा और हम डिजीज से प्रोटेक्टेड रहेंगे। यही बेसिक प्रिंसिपल है किसी भी वैक्सीन का। किसी भी वैक्सीन में हमें पहले अभ्यास कराया जाता है हमारे बॉडी को उसी डिजीज कॉजिंग स्ट्रेन के, चाहे वो बैक्टीरिया का हो या फिर वायरस का हो, दे करके ताकि हमारा बॉडी अभ्यस्त हो जाए और जब दोबारा रियल एक्सपोजर हो तो हम प्रॉपरली उसको मार सके, हमें वो डिजीज ना हो। यही बेसिक प्रिंसिपल है वैक्सीनेशन में। कोरोना के केस में भी यही प्रिंसिपल अपनाया जाता है। हालांकि इस पे डिटेल एक्सप्लेनेशन हमारे ही चैनल के एक वीडियो में, जो मैं लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जा करके देख सकते हैं कि भारत ने दो स्वदेशी वैक्सीन, एक कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन, दो का निर्माण किया, जिसमें कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मदद से बनाया, और दूसरा भारत बायोटेक ने स्वदेशी, कंप्लीटली स्वदेशी वैक्सीन बनाया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं दोनों में क्या अंतर है और किस तरीके से ये दोनों काम करते हैं। और आज का ये वीडियो यहीं पर था जिसमें हमने चर्चा की कि किस तरीके से कोई भी वैक्सीन हमारे बॉडी पे काम करता है। उम्मीद है आपको ये बात आसान शब्दों में समझ में आई होगी और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि उनके भ्रम में कोई, उनके मन में कोई भ्रम की स्थिति ना हो, क्योंकि भ्रम हमें पहले मारता है, बीमारी हमें बाद में मारती है। ठीक है, आप वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ है, भारत के लिए एक नई सुबह की शुरुआत हुई है। भारत पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को, जी हाँ 100 से अधिक देश ऐसे हैं जिसकी कुल आबादी 3 करोड़ भी नहीं है, उससे ज्यादा पहले फेज में हम वैक्सीनेशन की ओर बढ़ रहे हैं। 6 महीने का टारगेट है जिसमें हम 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करेगी भारत सरकार, और दूसरे चरण में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। यह बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। पूरा विश्व आज भारत की तरफ देख रहा है। इस वैक्सीनेशन की सफलता भारत को एक नए मुकाम पर, एक नए पहचान के साथ पूरे विश्व पटल पर उभारेगी, और इसकी सफलता सिर्फ सरकार पे नहीं, हम पे भी निर्भर करती है। हम संयम रखें, अपनी बारी का इंतजार करें और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि यही हमें आगे भी सुरक्षित रह सकता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं उसी मंत्र के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, परिवार के साथ खुश रहिए और हमारा वीडियो जरूर देखते रहिए, क्योंकि हम हर सप्ताह नए नए टॉपिक्स पे अच्छे वीडियोस, जानकारी भरे वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों को, सभी लोगों को यह जानकारी जरूर शेयर करें। चलिए धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद, थैंक यू।